नमस्कार, इंटरनेट न्यूज में आपका स्वागत है। विगत 6 दिनों से धरने पर बैठा खरवार समाज के सैकड़ों लोग जाति प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित धरना स्थल पर विगत 6 दिन बीतने के बाद भी अब तक प्रशासन द्वारा मांग पूरी न होने पर खरवार बिरादरी के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जहाँ आज कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम कार्यालय के सामने खरवार समाज के लोगों ने अपने आदिवासी होने का परिचय देते हुए हाथों में तीर कमान कुल्हाड़ी लेकर जमकर प्रदर्शन किया। युवा नेता राकेश खरवार ने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को खरवार विरोधी बताया। कहा वो नहीं चाहते हैं कि खरवार समाज का जाति प्रमाण पत्र बने, जो कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत है, जबकि शासन से प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश है और जिला अधिकारी ने भी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं, उसके बावजूद खरवार समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा। फिलहाल अहमद भाई अपन देख लो जी, एक पर्चे बताइए अपना। मेरा नाम राकेश खरवार है और हम लोग जो है आज छठा दिन है अनशन पे बैठे हुए हैं और हम लोग अपनी बात जो है आज एक छोटे से जुलूस के माध्यम से जो है जिला अधिकारी महोदय तक पहुंचाने का कार्य हम लोगों ने कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मांगे जो है पूरी हो, जो संवैधानिक दायरे में आती है। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र जो है उसको सुलभता से जारी किया जाए और ये जो है शासनादेश के जो है अनुरूप चल रहा है उस पे जारी किया जाए। आपको क्या लगता है जारी क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं जारी हो रहा है? ये तो जिलाधिकारी महोदय ही बता पाएंगे कि क्यों नहीं जारी हो पा रहा है, क्योंकि तमाम शासनादेश जो है खरवार जाति के पक्ष में होने के बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी है जिलाधिकारी महोदय की कि जो है खरवार समाज का जो है जाति प्रमाण जारी नहीं हो पा रहा। आपको क्या लगता है, राजनीतिक साजिश है क्या? लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आदिवासियों की मूल पहचान है, खरवार जनजाति है, तो जनजातियों का जो है ये सिंबल है, तीर धनुष जल जंगल जमीन, ये हमारी पहचान है और हम अपनी पहचान को लेकर जो है आज मीडिया के सामने उपस्थित हुए हैं। यहाँ तो नहीं है, कौन नहीं है? तीर वाली जो बात आप कर रहे हैं वह बिरादरी यहाँ तो नहीं है, जो तो दूसरी जगह है। ये कैसे जानते हैं? एक मिनट बता रहा हूँ। आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि जो है आदिवासी समाज जो है बलिया में नहीं है? इनके कहने का मतलब ट्राइबल्स की बात हो रही है, ट्राइबल्स की बात नहीं, खरवार और ट्राइबल्स में अंतर होता है। हम सभी जो है आदिवासी है और विस्थापित होकर जो है बलिया और तमाम जगहों में जाने के कारण हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने किया हुआ। अच्छा, जब शासन आदेश है, हमारे भाई ने पूछा भी शासन आदेश है, तो फिर जिलाधिकारी महोदय क्यों यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, क्या कारण है, इसके पीछे क्या मंशा है, बताएं कुछ जरा खुल के बताइए। इसके बारे में तो मुझे बहुत डिटेल नहीं मालूम है कि जिलाधिकारी तो क्या लगता है, राजनीतिक साजिश तो नहीं है? साजिश है इसका मतलब? हम लोगों ने जो है जिलाधिकारी महोदय को नहीं, आपको मालूम नहीं है और प्रदर्शन करने आप चले, मालूम होना चाहिए आपको। जिलाधिकारी महोदय को जो है कई बार जो अवगत कराया गया है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र बने, जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है आदेश भी पारित हुआ है कि खरवार जाति का जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए, लेकिन कुछ जो है खरवार विरोधी जो अधिकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि खरवारों का जो है जाति प्रमाण पत्र बने, और ये हमको तो लगता है कि ये कोई षड्यंत्र के तहत जो है ये कार्य किया जा रहा है, क्योंकि जिलाधिकारी द्वारा जो है स्पष्ट रूप से जो आदेश पारित हुआ है, इसके बावजूद भी जिलाधिकारी महोदय का जो है आदेश यहाँ के कुछ अधिकारी जो है जो खरवार विरोधी है वो उसको जो है पालन नहीं कर पा रहे। इसके पहले आपके नेता कई बार में जिलाधिकारी महोदय से मिल चुके हैं? अनेकों बार हमारे नेता जो है जिलाधिकारी महोदय से मिलने का काम किया है। कितनी संख्या होगी आपके खरवार बिरादरी की बलिया में? लगभग 1,20,000 की संख्या में जो है पूरे बलिया जनपद में खरवारों की उपस्थिति है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।